नमस्कार, YouTube ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। भारत भूगोल में पार्ट फर्स्ट की बात कर ली गई, उसमें अक्षांश व देशांतरी विस्तार की बात की गई और भारत की अन्य सामान्य जानकारी की बात की गई। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भारत की सीमा की बात करेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल भंवर राज चौधरी से भी जुड़ सकते हो। वहाँ इस टॉपिक से शाम को 10 से 15 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम को डाउनलोड करके और वहाँ सर्च ऑप्शन में जाकर भंवर राज चौधरी नाम से मेरे चैनल को सर्च करिए और उसके बाद उसको ज्वाइन करिए। वहाँ शाम को जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके कम से कम 10-15 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको डेली एनालिसिस करने का भी मौका मिल जाएगा। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से समझते रहना। बात भारत की सामान्य जानकारी में सीमा की बात कर रहे हैं। अक्षांश और देशांतर की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। यह है प्यारा भारत अपना। भारत की सीमा को दो भागों में बांट रहे हैं। सीमा दो तरह की सीमा होती है। पहली स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, दूसरी तटीय सीमाएं, तटीय सीमा। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106 किलोमीटर, जबकि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। इसमें से भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर व अन्य द्वीप समूह की सीमा की लंबाई है 1,416.5 किलोमीटर। इस प्रकार ये स्थलीय सीमा, ये तटीय सीमा। स्थलीय सीमा है यह भारत 7 देशों से लगाता है। इसकी बात करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं भारत से पहला जो सीमा लगाने वाला इधर देश है, इस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान है वो भारत से 3,323 किलोमीटर सीमा लगाता है। भारत से अलग हुआ भाग है पाकिस्तान। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग भारत से सीमा लगाता है। सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। ये जो सीमा रेखा है ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों से लगाता है। सीमा की लंबाई है 3,323 किलोमीटर। पाकिस्तान का जो एरिया है वो लगभग 8,00,000 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात भारत पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। रहमत अली चौधरी ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था। पाकिस्तान और भारत के बीच कई विवादित स्थान है, जैसे सर क्रिक व कार क्रिक का प्रदेश। इसके अलावा ये जो प्रदेश है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता के समय एक ऐसी रियासत थी जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों में विलय नहीं किया था। कालांतर में 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और विदेश सेवा संचार है ये भारत को सौंप दी थी। पाकिस्तान के बाद सीमा रेखा का नाम भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान अरब सागर से सीमा रखता है। सुलेमान रेंज है, पोटवार रेंज है और हिंदू कुश पर्वतमाला यहाँ की मुख्य पर्वतमाला है। विश्व में इसे नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। यहाँ एक देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत से 106 किलोमीटर सीमा लगाता है। यह केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाता है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में डुरंड सीमा रेखा है। 1893 में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। आपको बता दूं कि उस समय पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था, इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड सीमा रेखा थी। वर्तमान में इसका अधिकांश इस सीमा रेखा का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। किस सीमा रेखा का? डुरंड सीमा रेखा का। अफगानिस्तान का जो एरिया है वो लगभग 6,00,000 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी काबुल है। एक संगठन है
उसका नाम है दक्षिणी एशियाई क्षेत्र संगठन अर्थात सार्क। सार्क की स्थापना 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें वर्तमान में कुल 8 सदस्य देश है और जो 8वां सदस्य देश जुड़ा वो अफगानिस्तान है। यानी मूल रूप से इसमें 7 सदस्य थे और 8वां देश जुड़ा अफगानिस्तान 2007 में। अफगानिस्तान केवल लद्दाख से सीमा रखता है। इसके बाद में यहाँ विशाल एक देश है, इस देश का नाम है चीन। लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया रखता है और विश्व में रूस कनाडा के बाद तीसरा बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजधानी इसकी बीजिंग है। बीजिंग भारत से 3488 किलोमीटर सीमा रखता है। अधिकांश जो सीमा है भारत और चीन के बीच वो प्राकृतिक सीमा है। प्राकृतिक सीमा क्या होती है? जब कोई पर्वत, नदी या कोई झील सीमा का निर्धारण करे तो उसे प्राकृतिक सीमा के नाम से जाना जाता है। जबकि कोई अक्षांश या देशांतर सीमा का निर्धारण करती तो उसे ज्यामितीय सीमा कहा जाता है। यदि दो देशों के बीच कोई बाह्य शक्ति आकर सीमा का निर्धारण करके चली जाए तो उसे अध्यारोपित तो सीमा कहा जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिप। ये एक अध्यारोपित तो सीमा है। क्यों? क्योंकि इसका निर्धारण ब्रिटेन ने किया है। इसलिए दो देशों के बीच कोई बाह्य शक्ति सीमा का निर्धारण कर दे तो अध्यारोपित सीमा कहलाती है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में यह सीमा बनी थी, सब सर सीरियल रेड क्लिप के नेतृत्व में इसका निर्धारण किया गया था और उन्होंने अधिकांश सीमा पर पेन चलाकर निर्धारण किया था अखंड भारत के मानचित्र में। इसलिए इसे कलम लाइन के नाम से भी जाना जाता है। एक नदी है झेलम नदी, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है। तो यहां अध्यारोपित सीमाएं, जबकि यह अधिकांश सीमा प्राकृतिक सीमाएं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से लेकर इस पूरे भाग में यहां तक सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। मैकमोहन सीमा रेखा 1914 में, इसकी लंबाई है लगभग 700 मील या कह दो 1100 किलोमीटर। चीन और भारत के बीच में दो बफर स्टेट है। बफर स्टेट क्या होता है? जब दो शक्तिशाली देशों के बीच में कोई छोटा देश हो और दोनों देशों की सामरिक नीतियों से प्रभावित हो, बफर स्टेट कहलाता है। जैसे नेपाल, जैसे भूटान, यहां एक देश है इसका नाम है भूटान। बीच में ये सिक्किम आ जाएगा जिसकी अपन अभी बात करेंगे। भूटान, ये दो देश है। पहले अपन ने बात की पाकिस्तान की, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल और पांचवा भूटान। चीन और भारत के बीच में भी कई विवादित स्थान है, जैसे अक्साई चीन का प्रदेश। इसके अलावा तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग सिक्किम का भाग है ये। और डोकलाम हाल ही में भारत और चीन के बीच खूब विवादित रहा था। नेपाल है, ये हिमालय की गोद में बसा हुआ देश है। राजधानी काठमांडू, पुष्पमती और भगवती नदियों के संगम पर है। जहां पर अभी बात की थी सारक का मुख्यालय, भारत से 1751 किलोमीटर सीमा लगाता है भारत से नेपाल। भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम है, भारत व पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम है, भारत व चीन के कुछ भाग में सीमा रेखा का नाम है। लेकिन भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा रेखा का नामकरण नहीं है। यहां भी अधिकांश सीमा प्राकृतिक सीमा है। हाल ही में उत्तराखंड का एक स्थान है काला पानी, वो भारत और नेपाल के बीच विवादित रहा था। चीन जहां भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से सीमा रखता है, वहीं नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम से सीमा रखता है। यहां पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी का भाग नेपाल की ओर बढ़ जाता है। भूटान है इसका, नेपाल ये लगभग इसका एरिया है 247,000 के आसपास, और भूटान है इसका एरिया है जैसलमेर से लगभग 5 वर्ग किलोमीटर कम। लगभग जैसलमेर का है 38,401 वर्ग किलोमीटर और भूटान का है लगभग 38,396 वर्ग किलोमीटर। छोटा सा देश है, विश्व में थंडर ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। राजधानी थिम्पू है, पहाड़ी देश है, पूरा का पूरा मैदानी प्रदेश कम है। इसलिए सामान्यतः इस देश के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती वो खाद्यान्न की चुनौती रहती है। नेपाल, भूटान, चीन,
विश्व में हाल ही में खूब चर्चा में है। चीन के बाद इधर एक देश है म्यांमार, पुराना नाम बर्मा है, राजधानी वर्तमान में नेपिदा है, नेपिदा के तो या नेपिदा, भारत से 1643 किलोमीटर सीमा रखता है। सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। भूटान रखता है 699 किलोमीटर, म्यांमार रखता है 1643 किलोमीटर। भूटान है वो रखता है सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। म्यांमार रखेगा अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। पहले भी अपन बात कर चुके वहां पर कि ये कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें त्रिपुरा और मिजोरम का भाग आता है। पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य है त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो अधिकांश सीमा है प्राकृतिक सीमा है, जिसमें पटकोई भूम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है नाम है सारामती। आगे अराकोन योमा पर्वतमाला का ही सागरीय विस्तार है अंडमान निकोबार, जो अपने पिछले वीडियो में बात की थी भारत की सामान्य जानकारी पार्ट फर्स्ट। यहां ये जो देश है इस देश का नाम है बांग्लादेश। रोहिंग्या मुसलमानों के कारण जो रोहिंग्या मुसलमानों के कारण जो देश चर्चा में रहता वो था म्यांमार, और उनका जो मूल प्रदेश है वो बांग्लादेश है। तीन ओर भारत से घिरा हुआ है, 4096.7 किलोमीटर सीमा के साथ भारत से सबसे लंबी सीमा लगाने वाला देश है बांग्लादेश, जबकि सबसे कम सीमा लगाता है अफगानिस्तान। बांग्लादेश है वो भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगाता है, तो पश्चिमी बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। असम भारत का ऐसा राज्य है जो 2 बार बांग्लादेश से सीमा लगाएगा, जबकि मेघालय राज्य ऐसा राज्य है, आप बिल्कुल मानचित्र में देखना, मेघालय राज्य ऐसा राज्य है जो एक राज्य असम से और एक देश बांग्लादेश से सीमा लगाता है। बांग्लादेश दिसंबर 1971 को विश्व पटल पर स्वतंत्र देश बना था। यह इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद ये नया देश बना। 2 जुलाई 1972 में उसी के बाद उसी युद्ध के कारण का निष्कर्ष था शिमला समझौता। ये पूर्वी पाकिस्तान इससे पूर्व कहलाता था पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल इससे पूर्व कब, 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था तब। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, दिल्ली दरबार में 2 बड़ी घोषणा की गई थी। पहली घोषणा थी कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई जाए। जब 23 दिसंबर 1912 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई जा रही थी, तभी होर्डिंग्स सेकंड पर बम फेंके गए थे, जिसे इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 1911 में दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए और पूर्वी बंगाल नाम का जो प्रदेश था वो पुनः बंगाल में सम्मिलित हो गया और बंगाल भाग बन गया। लेकिन कालांतर में जब पाकिस्तान ने पश्चिमी भाग मांग लिया तो पूर्वी भाग में वही प्रदेश मांगा जो 1905 में पूर्वी बंगाल का भाग कहलाया था, 1905 से 1911, और बाद में ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बन गया। लेकिन कालांतर में दिसंबर 1971 में नया देश बना बांग्लादेश। भारत से सबसे ज्यादा सीमा लगाता 4096.7 किलोमीटर। इसमें विवादित स्थान कौन कौन से, तो 3 बीघा कॉरिडोर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा न्यू मोर द्वीप बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित है। तिस्ता नदी, ये जो विवादित स्थान है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तिस्ता नदी चोमो ग्लेशियर, चोलामा झील सिक्किम से निकलती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। न्यू मोर द्वीप है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में। उसके अनुसार भारत सिंधु की उप जो 3 मुख्य नदियां सिंधु, झेलम
और इसके अलावा चिनाब इन तीन नदियों के कुल जल का मात्र 20% उपयोग कर सकता है। इसलिए इन तीनों नदियों पर जितनी भी परियोजनाएं बनेगी 100% वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित रहेगी। आप साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वापस बता देता हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 7 देश है जो भारत से सीमा लगाते। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जहां पहले बात की है कि सार्क का जो पहली बार गठन किया गया था वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था, और उसका मुख्यालय नेपाल में, मुख्यालय कह दो या सचिवालय, पुष्पमती और भगवती नाम के नदियों के संगम पर है नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो महान और मध्य हिमालय के बीच एक घाटी है, जैसे कश्मीर घाटी है वैसे ही नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है जो नेपाल और चीन की सीमा पर है, चोमलांग या सागर माथा या माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर हाइट है। अब एक बार देखो भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है जो स्थलीय सीमा पर है या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। तो एक नंबर गुजरात, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर पंजाब, 4 नंबर जम्मू कश्मीर यूटी यूनियन टेरिटरी, 5 नंबर लद्दाख, 6 नंबर हिमाचल प्रदेश, 7 नंबर उत्तराखंड, 8 नंबर उत्तर प्रदेश, 8 नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा 8 राज्यों से सीमा लगाता है, और इसके साथ ही वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व एक देश नेपाल से भी सीमा लगाता है। दूधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य के संदर्भ में भी बात करेंगे। फिर 9 नंबर बिहार, 10 नंबर पश्चिमी बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, पश्चिमी बंगाल है वो नेपाल से भी सीमा रखेगा, भूटान से भी सीमा रखेगा और बांग्लादेश से भी सीमा रखेगा। और 11 नंबर है सिक्किम, 11 नंबर सिक्किम। इस आगे बढ़े इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि 7 सिस्टर 7 की 7 बहनें अंतरराष्ट्रीय सीमा रखती है। पहले सर्वप्रथम देखो 11 के बाद 12 नंबर अरुणाचल प्रदेश, 13 नंबर नागालैंड, 14 नंबर मणिपुर, 15 नंबर मिजोरम। मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध झील है लोकटक झील, और उसमें एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य नाम है केबुल लाम जाओ मणिपुर में। बात करेंगे झीलों और राष्ट्रीय अभ्यारण के संदर्भ में। फिर उसके बाद 16 नंबर त्रिपुरा, 17 नंबर असम और 18 नंबर मेघालय, 18 नंबर मेघालय। 11, 12, 13, 14, 15, 16 त्रिपुरा, 17 और फिर 18 मेघालय और 19 पश्चिमी बंगाल को काउंट कर लिया है। इस प्रकार भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कुल 18 है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन राज्य कितने हैं 16 है और केंद्र शासित प्रदेश 2 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके संदर्भ में आपको टेलीग्राम पर 10-15 क्वेश्चन बनाकर पूछे जाएंगे शाम को। धन्यवाद।